नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम यहाँ बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का अर्धवृत्त एक आयत के अंदर अंतर्निहित है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के साथ समपाती है, आयत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में पहले तो हम डायग्राम बना के देखेंगे। एक आयत बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक आयत बन गया। उसने कहा है कि इस आयत के अंदर एक अर्धवृत्त क्या है, अंतर्निहित है, मतलब इस आयत के अंदर ही बना हुआ है पूरा अर्धवृत्त, और जो अर्धवृत्त का व्यास है आयत की लंबाई के साथ संपाती है। ठीक है, उसने ये भी कहा है कि ये अर्धवृत्त की जो आयत की लंबाई है वही क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है, और इस लंबाई के संपाति क्या है, उसका व्यास है, और इसी में क्या है कि अर्धवृत्त अंतर्निहित है। तो अर्धवृत्त कैसा बनेगा, ऐसा होते हुए ऐसा इसमें बन जाएगा, यहाँ टच भी होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक अर्धवृत्त बन गया जो कि आयत के अंदर है, इसका व्यास इसकी लंबाई के साथ संपाति है। ठीक है, ये सब चीजें हमने बता ली है, और उसने कहा है कि जो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल भी हमको दिया है 1250 पाई, और पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, यानी हमें लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए, कुछ भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम यहां से एक लाइन ऐसी डाल लेंगे, ये क्या हो जाएगी, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हम अर्धवृत्त का फॉर्मूला लगाएंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 1250 पाई। ठीक है, दोनों तरफ से पाई को खिसका दो भाई, तो हमने दोनों तरफ से पाई को खिसका दिया, यह आर स्क्वायर बराबर ये दो इधर पहुंच जाएगा, 1250 गुणा दो, तो आर स्क्वायर बराबर 0, 5, 2, 10, 2, 2, 4, 1, 5 हो गया, और 2 + 1 = 2 2500 हो गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 500 × 25 = 50। ठीक है, आर बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या है वह क्या है, इसकी चौड़ाई है, और जो इसका व्यास है वो क्या है, लंबाई, व्यास क्या होता है 2r, और चौड़ाई क्या है इसकी r, तो l बराबर क्या निकलेगा, इन लंबाई, लंबाई होगी 2r के बराबर 2 × 50 और 50 × 100, चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई है r के बराबर, r की वैल्यू है 50। तो देखिए ये हमारी लंबाई निकल आई और ये हमारी चौड़ाई निकल आई, दोनों चीजें हमें मिल गई, लंबाई है 100 और चौड़ाई है 50, हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 100 × 50, 5 × 5 के साथ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना निकल आया, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो थी पहले हमें डायग्राम को समझना, उसने कहा था कि 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का अर्धवृत्त एक आयत के अंदर अंतर्निहित है, तो आयत के अंदर ही हमें अर्धवृत्त बनाना है, और जिसका व्यास जो है वह क्या है, आयत की लंबाई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एल बराबर 2r माना है। ठीक है, तो फिर उसको सॉल्व कर दिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, आर की वैल्यू निकल आई, आर की वैल्यू निकल आई, तो इससे हमने लंबाई और चौड़ाई को निकाल लिया, जब लंबाई चौड़ाई निकल आएगी तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया, 5000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।